जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मानसरोवर विद्या विहार के यूट्यूब चैनल में। कक्षा 2 का एक चैप्टर अपन ने पूरा कर दिया था। अब जो चैप्टर नंबर 11 है, रेखाएं ही रेखाएं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब एक बात समझ लीजिए, ये है आपकी रेखा, ठीक है। ये लाइन में कोई रेखा रेखा अपन पढ़ेंगे यहाँ पे। चलो, ये किसकी रेखा है, चलो देखते हैं। आज फातिमा के स्कूल में क्रिकेट मैच है। क्या है? क्रिकेट मैच। फातिमा, जसबीर और रहमत अपने घर से स्टंप लाए हैं। क्या लेके आए हैं? स्टंप लेके आए हैं। फातिमा, जसबीर और रहमत ने उन्हें कमरे में एक कोने में रख दिया। फातिमा ने अपना स्टंप खड़ा करके रखा, है ना। ये फातिमा है, उन्होंने अपना स्टंप कैसे रखा? खड़ा, ऐसे ऐसे सीधा रखा। जसबीर ने अपना स्टंप हल्का टेढ़ा, यानी कि ऐसा आड़ा टेढ़ा रखा। रहमत ने अपना स्टंप लेटा कर रख दिया, यानी कि ऐसे लेटा दिया। एक स्टंप ऐसे रखा, एक ऐसे रखा और एक पूरा पे सुला दिया, ठीक है। दूसरों को बताने के लिए कि किसने अपना स्टंप कैसे रखा हो, उन्हें कॉपी में रेखाएं खींची, ठीक है। चलो, किसने? फातिमा ने खड़ा, यानी ये वाला किसका है? फातिमा का खड़ा स्टंप है, तो इसलिए इसने खड़ी रेखा खींची। जबरस का टेढ़ा, जसबीर का टेढ़ा, तो इसने टेढ़ी रेखा ही खींची, ठीक है। उसके बाद रहमत का लेटा हुआ, तो इसने लेटी हुई खींची। बच्चों की तस्वीर को उनकी रेखा के साथ मिलाइए। चलो मिलाते। ये रही भाई अपनी फातिमा खड़ी, तो ये रही फातिमा, ये जसबीर और ये अपनी मैडम रहमत, ठीक है। चलो आगे। यह कुछ खड़ी रेखाएं, टेढ़ी रेखाएं और लेटी हुई रेखाएं, जिसे कुछ रेखाएं खींचो। ये खड़ी रेखा है तो खड़ी रेखाएं आगे की तरफ खींचेंगे। ये टेढ़ी रेखाएं है तो टेढ़ी रेखाएं भी ऐसे ऐसे खींचेंगे आगे। और ये लेटी हुई रेखाएं, कैसी रेखाएं? लेटी हुई। मैंने अपने पेंसिल बॉक्स के किनारे में ऐसी रेखाएँ, किनारे से रेखाएँ खींच सकता हूँ। चलो, ये है अपने पास एक पेंसिल का बॉक्स है, कंपास। कंपास पे से पेंसिल रख के अपन रेखा नहीं खींचते क्या? मैडम बोलती है कॉपी में डब्बे बनाओ, तो आप डब्बे बनाते हो ऐसे। मैं स्केल से रेखाएँ खींच सकती हूँ। अब स्केल यानी फूल पट्टी, माप पट्टी आपके पास होती है ना, फूल पट्टी, उससे आप रेखाएँ खींच सकते हो। मैं सिर्फ अब अपने हाथों से रेखाएँ खींचने की कोशिश करती हूँ, यानी इसने क्या, फूल पट्टी माप पट्टी कुछ नहीं ली, अपने हाथ से ही रेखाएँ खींचना शुरू किया। एकता की रेखाएँ सीधी नहीं है, एकता को, ये है अपनी एकता, वे मुड़ी हुई है। कुछ और मुड़ी हुई रेखाएं खींचो। ये है एकता और इसने मुड़ी हुई रेखा खींची, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अपन में खींचते हैं कुछ मुड़ी हुई रेखाएं। ये सारी क्या है? मुड़ी हुई रेखाएं। चलो आगे। रेखाओं के साथ खेल। जिज्ञासा के पास एक घड़ी है, ये ना घड़ी दिख रही है, वो उसमें संख्याओं में लिखे गए समय तथा सप्ताह का दिन पढ़ सकती है। यह संख्या और अक्षर सीधे रेखाओं में बने। जिज्ञासा ने पुरानी माचिस की तीलियों से कुछ और संख्याएं तथा अक्षर बनाए। चलो कुछ और बनाइए। चलो, है ना, इसने चार बनाया, फिर एच बनाया, बी बनाया, नौ बनाया। अपन पाँच बना सकते, पाँच बना सकते कि नहीं? अपन इससे बना सकते एक, अपन इससे बना सकते हैं तीन, अपन इससे बना सकते हैं ग्यारह, ऐसे संख्याएं बना सकते। कुछ इस्तेमाल की हुई माचिस की तीलियों को इकट्ठा करो और मज़े मज़े में संख्या का अक्षर लिखो। अब आप लोगों का क्या करना है, अलग अलग माचिस लेनी है और माचिस की तीलियों को ऐसे जोड़ जोड़ के संख्याएं बनानी है। क्या ऐसी भी कुछ संख्याएं अक्षर है जो तुम माचिस की तीलियों की मदद से नहीं बना सकते? हाँ, बना सक नहीं बना सकते। चलो एक, क्या जीरो बना सकते हो माचिस की तीली से? नहीं बना सकते, जीरो तो ऐसा बनेगा माचिस की तीली से, ठीक है। चलो जीरो बना सकते नहीं। कुछ संख्याएं सीधी रेखा का इस्तेमाल करके बनाओ। चलो, सीधी रेखाओं का इस्तेमाल करके, तो ये एक और एक ग्यारह बन गया, ये आपका तीन बन गया, दो भी बन गया, पाँच बन गया, चार बन गया, फिर सात बन गया ना, ये सारी चीज़ें बना सकते हो। तुम कौन से अक्षर सीधी रेखाओं का इस्तेमाल करके
सीधी रेखाओं का इस्तेमाल करके लिख सकते हो। उनको कौन से आसन आसान है, उनमें से कौन से आसान है, तो 1, 4, 5 ये सब बनाना आसान है। पता करो और कहाँ कहाँ संख्याओं तथा अक्षरों को लिखने के लिए सीधी रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे रेल की पटरियों में देखो आप सीधी रेखाओं का प्रयोग कि भाई रेल की पटरी या ऐसा लिखा हो तो अपन क्या बोलते हैं, रेल की पटरी है, यहाँ जाना मना है ऐसा लिखा हो तो भी अपन सीधी रेखाओं का उपयोग करते हैं। चलो है ना, आगे आगे है नाचती रेखाएं, है ना। देखो ये है माइकल जैक्सन, नहीं नहीं ये है आपका एक ट्रैफिक पुलिस, पर इंदौर में एक ट्रैफिक पुलिस वाला है, वो माइकल जैक्सन जैसा है, किसके जैसा है, वो है ना डांस करते करते गाड़ियाँ रोकता है। रमैया ने यातायात पुलिस वाले को गाड़ियों को रास्ता दिखाते हुए देखा, क्या यातायात पुलिस के हाथ कभी मुड़ी हुई रेखाएं भी बनाते, तो ऐसे रेखाएं बनाते हैं ना मुड़ी हुई, एक सीधी रेखा यहाँ पे देखो ये मुड़ी हुई रेखा है और ये सीधी रेखा। रमैया ने यातायात पुलिस वाले की तरफ नकल करना शुरू किया, उसने सीधे तथा मुड़ी हुई रेखाएं बनाई, उसे खूब मजा आया, यह नाचने की तरह लगाता था। ठीक है चलो, उसके बाद नीचे दी गई नाच की मुद्रा बनाओ, रमैया की तरह मजे करो। ठीक है, अब देखो इसने अपने को ये नाच रही है ना लड़की, इसकी एक मूर्ति बनाते हैं अपन। चलो ये 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 ऐसा बना लिया है ना, ऐसा ही बनेगा ना। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। बिंदुओं के साथ डिज़ाइन, इन बिंदुओं को आपस में सीधे या मुड़ी हुई रेखाओं से जोड़ो, अपना डिज़ाइन स्वयं बनाए। चलो एक डिज़ाइन बनाता हूँ मैं यहाँ पे, अब देखना है ना, ऐसा एक डिज़ाइन बना जाएगा शंकर जी का डमरू। चलो एक और त्रिशूल बना देते अपन, शंकर जी का त्रिशूल भी बन गया। ऐसी सारी डिज़ाइनें आप अपन बना सकते हैं। चलो रंगोली भी बनाना सीखेंगे अपन, क्या करना है रंगोली के लिए, पहले ऐसे कर देना है, फिर इसको ऐसे जोड़ना है, इसको ऐसे जोड़ना है, इसको ऐसे जोड़ना है, इसको ऐसे जोड़ना है, रंगोलियाँ भी बनाते हैं ना। चलो उसके बाद तस्वीरों में रेखाएं, लोक कलाकारों द्वारा बनाई गई इन तस्वीरों को नैन्सी ने देखा, यहाँ अलग अलग तरह की रेखाओं को देखो, मुड़ी हुई रेखा, खड़ी रेखा, टेढ़ी आड़ी टेढ़ी रेखा। चलो ये खड़ी रेखा यहाँ पे दिख रही है, पेड़ में खड़ी रेखा, ये मुड़ी हुई रेखा, ये आड़ी रेखा, ये आड़ी टेढ़ी रेखा, ये सीधी रेखा, इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, जैसा कि ऊपर दिखाया वैसे कुछ और तस्वीर बनाओ। चलो कुछ और तस्वीर बनाते, तो अपन ने बनाया ठीक है, ऐसे आप बना सकते हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है, इसके बाद अगला चैप्टर अगले लेक्चर में अपन पढ़े। ठीक है, दो चैप्टर खत्म हो गए, याद रखना, एक है आपका 10 और ये है आपका 11, दो चैप्टर खत्म हो गए। ठीक है, धन्यवाद।